मतलब प्रोसेसर बढ़िया दे दिया तो अल्ट्रावाइट कैमरे हटा दिए इन्होंने। ये इनका लगी लॉजिक चल रहा है रियलमी वालों का। तो दोस्तों Realme 13 Plus 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Moto G85 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई Realme के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों Realme के अंदर हमें अच्छी डिस्प्ले मिल रही है क्योंकि जो AMOLED पैनल है ना एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को करती है। देखिए दोस्तों यहां पर जो Moto के अंदर हमें कर्व्ड POLED डिस्प्ले मिल रही है ना भाई, सही में एकदम जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और साथ ही अगर आपको कर्व्ड डिस्प्ले के हिसाब से भी स्मार्टफोन लेना है ना भाई, तब भी आप यहां पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, पोर्ट्रेट कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों Realme फोन का जो मेन कैमरा है ना भाई, डिसेंट फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर इसका सेकेंडरी कैमरा देखना 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट है तो भाई बिल्कुल यूजलेस कैमरा, कोई फायदा नहीं है यार। Realme वालों को ना भाई यहां पर अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मतलब प्रोसेसर बढ़िया दे दिया तो अल्ट्रा वाइड कैमरे हटा दिए इन्होंने। ये इनका लगी लॉजिक चल रहा है Realme वालों का। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Moto की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का। देखिए भाई जब आप फोटोज क्लिक करेंगे ऐसा लगेगा यार एवरेज फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन फोटो क्लिक करने के बाद की जो प्रोसेसिंग करता है ना भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल करता है। कलर्स वगैरह तो एकदम पंची और मस्त, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा इसके मेन कैमरा की फोटोज देख के। और यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा भी अच्छी बात है यार। Realme वालों को कुछ सीखना चाहिए Moto वालों से, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरा दे रहे हैं Moto वाले। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Realme के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Moto के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब कैमरा में तारीफ कर दी तो वीडियो रिकॉर्डिंग में कॉस्ट कटिंग कर दी इन्होंने, इनके भी अलग ही लॉजिक है। तो देखिए दोस्तों 4K में वीडियो बनानी है तो डेफिनेटली आप यहां पर Realme की तरफ ही जरूर से जाइए। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Realme के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ Moto के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों Realme का फ्रंट कैमरा अच्छी सेल्फी फोटो तो आपकी क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार फ्रंट कैमरा से सेल्फी फोटो की डिटेलिंग एकदम जबरदस्त चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली भाई Moto की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसकी फ्रंट कैमरा की प्रोसेसिंग में ना भाई एकदम जबरदस्त है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आते हैं, जिसमें कि Realme का फोन Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Moto का फोन Hello UI पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। लेकिन दोस्तों Realme के Realme UI के अंदर आपको भर-भर के थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिलेंगी, तो भाई ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Realme के अंदर हमें Dimensity 7300 Energy 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें Snapdragon 6s Gen 3 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना यहां पर एवरेज प्रोसेसर का यूज किया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लगता है Moto वाला ने ना कर्व डिस्प्ले देने के चक्कर में ना प्रोसेसर के साथ में कॉस्ट कटिंग कर दिया, ये भी एक रियलिटी बात है। तो भाई तो देखिए दोस्तों वैसे तो डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर आपको गेमिंग एकदम बढ़िया वाली करनी है ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटीडू स्कोर की अगर हम बात करें तो उसमें भाई फर्क है, क्योंकि यार Realme फोन का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का आता है 4,60,000 के करीब। इसलिए दोस्तों अगर आपको ज्यादा एंटीडू वाला भी फोन चाहिए ना, तब भी आप यहाँ पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। दोस्तों आपको दोनों फोन्स के साथ में एक दिन का बैटरी बैकअप भाई काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहां पर तो भाई फर्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि यार Realme फोन तो 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ Moto फोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Moto वाले फास्ट चार्जिंग में यार पीछे ही रह गए, कछुए की चाल चल रहे हैं।
तो इसलिए दोस्तों फास्ट चार्जिंग ज्यादा चाहिए ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें रियलमी के अंदर दिया गया, लेकिन यार मोटो के अंदर हमें नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि रियलमी फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 21,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 18,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया गेमिंग के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है जहां पर फास्ट चार्जिंग भी अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है, तब आप यहां पर डेफिनेटली रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कैमरा ऑप्टिमाइजेशन एकदम बढ़िया चाहिए और कर्व डिस्प्ले के हिसाब से सस्ता स्मार्टफोन चाहिए, सस्ता नहीं वैसे 18,000 का भी भाई कोई कम नहीं होता, वैसा फोन चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए।